मैडम आपको रूम किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा, यहाँ पर पैसेंजर्स ज्यादा हैं और अकोमोडेशन कम, प्लीज आपको एक मिनट वेट करना पड़ेगा। ओके, योर नेम प्लीज। विशाल सहगल। राजू। राजू गैरेज वाला, आप लोग स्वीट 501 में चले जाइए। मुझे अलग से रूम दीजिए, मैं इनके साथ नहीं रहूंगा। फिर आप इनके साथ शेयर कर लीजिए, क्यों मैडम? आई डोंट माइंड। मुबारक हो, आज रात आपकी इज्जत लुटने वाली है। 501 की चाबी देना। 501 ठीक है। ओके, व्हाट्स द नंबर? 501। 501 बैड लक। व्हाट अबाउट माय रूम? मैडम यू हैव टू वेट। अरे वाह, हेलो, क्या ठाट है, ये तो कोई राजा महाराजा का कमरा लगता है। हेलो ऑपरेटर, इसे स्वीट कहते हैं। अरे तुमसे कौन बात कर रहा है यार? ऑपरेटर तुम कुछ खाने के लिए बोलो ऑपरेटर से, मुझे भूख लगी है। हाँ। पहले नहा लो, पसीने की बू यहाँ तक आ रही है। ऑपरेटर पसीने की बू? नहा तो लूंगा, लेकिन रात को मेरे पास नाइट सूट नहीं है सोने के लिए, मैं तो नंगा सोता हूँ, सोच लो। ए, आधा घंटा नल के नीचे बैठो, मैल धुल जाएगा, उजले हो जाओगे। अच्छा, उस हिसाब से तुम्हें तो 2 घंटे बैठना पड़ेगा। अरे वहां नहीं, यहाँ जाओ। चाहता हूँ यार, नहीं मालूम यार, ये तो गुस्से की फैक्ट्री बिल्कुल। बॉम्बे नंबर? बॉम्बे 6269652। मामा कल इसी फ्लाइट से बंबई आ रहा हूँ। ओके, आई विल कीप इन टच विद यू, बाय। आज प्रातःकाल दिल्ली से बंबई जा रहे एक विमान का कुछ अपहरणकर्ताओं ने अपहरण करने का प्रयास किया। कुछ खाने को मंगाया क्या? भूख लगी है। ओए, पीठ पे साबुन घिसता है क्या? अरे गवार कहीं का। विमान कल प्रातःकाल बंबई के लिए उड़ान। रूम सर्विस, खाने का क्या हुआ? जल्दी। मानसिक संतुलन बराबर नहीं है, पुलिस की पूछताछ जारी है। भारतीय समाज पार्टी के नेता श्री काशीराम ने आज दिल्ली में एक विशाल जनसभा। क्या कर रहे थे इतनी देर तक बाथरूम में? आदमी बाथरूम में क्या करता है? नहा रहा था, धो रहा था। पार्टी की सचिव सुश्री मायावती भी वहां उपस्थित। अब देखते क्यों, जाओ साफ करो अपने आप को, जाओ। प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी अपनी फ्रांस की 5 दिवसीय यात्रा से भड़कू चंद। बॉम्बे लाइन डाउन है, मतलब कितना टाइम लगेगा? आई विल ट्राई सर। आ जाओ। नहीं सॉरी, क्या? आई विल ट्राई सर। प्लीज ट्राई मैडम, थैंक यू, थैंक यू। बिल सर? बिल तो वो नारा है, वो देगा, वो आप बाद में आओ। ओके सर। सर प्लेट्स ले जाऊं? नहीं बाद में। थैंक यू सर।
कोई सोने का तरीका है? क्यों? दो टांगों के बीच में तकिया लेकर सोते हो? दो? मैं तो बचपन से दो टांगों के बीच में टायर लेकर सोता हूं, इसमें तुमको क्या है? बहुत खराब आदत है तुम्हारी। तुम जैसा थर्ड रेट और घटिया आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। ए ज़बान संभाल के यार, क्या घटिया बन किया मैंने? और नहीं तो क्या, खर्राटे लेते हो, बकबक करते रहते हो, बात बात पे गाली देते हो, तीन लोगों का खाना अकेले खा जाते हो, बेशर्मी की तरह नंगा घूमते हो रूम में, घटियापन नहीं तो क्या? माफ करना मुझे, तुम जैसा नपतोला जीना नहीं आता। इतना खाओ, इतना पियो, ऐसे लेटो, ऐसा करो, ये सब तुम बड़े लोगों के चोचले हैं, चोचले। तमीज, तमीज, मैनर्स कहते हैं जो तुमने नहीं सीखे। जीना हराम कर दिया है मेरा। जीना तो तुमने मेरा हराम कर दिया, तुम मेरी जिंदगी में आए। खड़ूस हो बिल्कुल तुम, खड़ूस। मेरे खोट गिनने से पहले तुम अपने आप को देखो, तुम सबको अपने आप से छोटा समझते हो, सब पे हुक्म चलाते हो। जिंदगी में लगता है तुमने सिर्फ अपने आप से प्यार किया और किसी से प्यार नहीं किया। अरे तुम्हारा प्यार भी क्या है? किसी अमीर की लड़की को फांस लिया, अब उससे शादी करोगे, बच्चे पैदा करोगे, कीड़े मकोड़े की तरह एक दिन मर जाओगे। और ये तुम्हारा प्यार किनारे लगाने के लिए तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। अरे जरूरत तो तुम्हें मेरी है, माल रोकड़ा तुम्हें मिलने वाला है, मुझे पैसों से कोई लड़ाव नहीं है। बंद करो, धीरे से बात करो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं जिस पे तुम हुक्म चला। गेट आउट, गेट आउट, मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। नहीं, मैं नहीं दूंगा, छोड़ो। पता नहीं क्या समझता अपने आप को, जब देखो अकड़ता रहता है।